Abdullah bin Zayd Al Mahmoud Islamic. Islamic Cultural Center with a mosque. Lectures and Arabic language classes, plus educational trips. सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सभी को एक नए से व्लॉग में। हम लोग अंदर चलकर इस बिल्डिंग में आज अंदर का नज़ारा देखेंगे, किस तरह से अंदर है ये और क्या कुछ रखे हुए हैं, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस बिल्डिंग में चारों तरफ से एंट्रेंस है, मगर हम लोग तीसरे एंट्रेंस में से चलेंगे और यहाँ लेफ्ट साइड में जाएंगे तो मस्जिद को सीधा चले जाएगा ऊपर, मगर हम लोग अंदर क्या नज़ारा देखेंगे, ताकि हमने पहली बार जा रहे हैं तो पहले हम लोग एंट्रेंस में क्या है सब कुछ देखेंगे। तो इस तरह से एंट्रेंस में लिखा हुआ है और यहाँ के कुरान की आयत वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं। कुरान की आयत बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। जैसे ही हाल में गुजरेंगे तो इस तरह से इस्लाम के बारे में शुरुआत से लिखा हुआ है, जो बाहर से यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं तो वो इस तरह से देखकर पढ़ ले सकते हैं। तो आप भी यहाँ पर खड़कर सारा सब कुछ इस नबी के बारे में है, इस्लाम के बारे में अल्लाह क्या कहता है, सब कुछ आयता लिखे हुए हैं यहाँ पर। इस्लाम के कितने फ़र्ज हैं वह सब कुछ उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ज़्यादातर यहाँ पर गैर कौम विज़िट करते हैं लाइब्रेरी में, तो A 300-year-old lamp from the Mamluk era, Cairo, Egypt. It was lit by candles. Armillary sphere, an instrument that modeled the heavens and planetary motions, showing how the universe worked in 3D. अब जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि लाइब्रेरी में किस तरह से चीज़ें रखे हुए हैं, यहाँ पर लिखे क्या क्या हुआ है। तो जब भी आप बाहर से गुजरते हुए जब भी टाइम मिलेगा अंदर ज़रूर आइए। अब हम लोग ऊपर की तरफ जल के देखते हैं, जहाँ पर मस्जिद है वहाँ पर क्या कुछ रखे हुए हैं सब कुछ मैं देखना चाहूँगा। तो आप भी चलिए मेरे साथ, तो बहुत ही खूबसूरत अंदर नज़ारा है। हम लोग बाहर से देखेंगे तो खूबसूरत दिखता है, तो अंदर से और भी अच्छा है। तो आप जैसे ही एंट्रेंस होंगे ऊपर की तरफ आपको वज़ू खाना भी मिल जाएगा, चप्पल वगैरह इधर ही रख सकते हैं। ये वज़ू खाना है अंदर। अब बाहर की तरफ आएंगे तो इस तरह से नज़ारा दिखेगा। आप चप्पल वगैरह सब कुछ इधर रखिए, पानी पीना है तो यहाँ भी अरेंज किए हुए हैं। तो हम लोग मस्जिद के अंदर जाकर देखेंगे कि किस तरह से है अंदर की मस्जिद। एक बहुत ही आलीशान मस्जिद है अंदर, मगर ये पूरी की पूरी मस्जिद नहीं है। बाहर जाएंगे तो हम लोग अभी लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ पर भी कितने मंजिल है वह सब कुछ देख कर आएंगे। तो हम लोग ऊपर की तरफ जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और हम लोग सीढ़ी से भी जा सकते हैं। तो ये अंदर का, अंदर से बाहर का नज़ारा इस तरह से दिखता है। जैसे लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर लाइब्रेरी शुरू होएगी, उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन सेंटर भी है, जो बच्चे वगैरह आके पढ़ते हैं और गैर कौम भी जो इस्लाम कबूल करते हैं वो लोग आकर यहाँ पर स्टडीज़ करते हैं इस्लाम के बारे में और दीन और दुनिया के बारे में। तो हम सेकंड फ्लोर पर लिफ्ट से ही जाएंगे, उसके बाद पैदल जाएंगे। हम लोग सेकंड फ्लोर से सीढ़ियों से चलकर ऊपर जाएंगे तो हम लोगों को थर्ड फ्लोर पे जिम भी मिल जाएगी, जिम जो हमारे मौजूद है। तो हम लोग फोर्थ फ्लोर पे जाएंगे तो आप क्या किस तरह से दिखता है वो सब कुछ देखेंगे। आगे चलकर यहाँ पर वर्ल्ड मैप रखे हुए हैं, देखते हैं कि हम लोग इस वक्त किस तरफ हैं और
अब ये यूनिक सा दिखता है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग खड़े कहाँ हैं। तो हम लोग हैं यहाँ पर इत्तू से देश में कतर, कितना छोटा है ना, बहुत ही छोटा। और हमारा ये प्यारा देश भारत देश ये दुनिया को देखता है। तो मैं इंशाल्लाह अगला पड़ाव इस तरफ रखूँगा बहुत जल्द, और पूरी दुनिया को घूमने के लिए कोशिश करूँगा और आपके साथ रहेगा तो पॉसिबल करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। और देखेंगे इस तरफ जाएंगे तो क्या दिखता है। देखिए हर जगह क्लासेस मौजूद हैं, और इस तरह जाएंगे हॉल वगैरह में इस तरह से सजाए हुए हैं, मस्जिद बहुत खूबसूरत की फ़ोटो लगाए हुए हैं। ये लास्ट है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है क्लासेस का। और ये जब भी मैं जाता हूँ कहीं पे भी तो बाथरूम में एक नज़र देखता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से बाथरूम वगैरह रखे हैं। तो हम लोग अभी नीचे जाएंगे, नीचे से और भी क्या कुछ है देखते हैं। मैं जब भी लिफ्ट में वीडियो लेने की कोशिश करता हूं तो कुछ इस तरह से हादसा हो जाता है, जो डोर क्लोज होने वाला, कोई बात नहीं चलता है। देखिए नीचे की तरफ आएंगे हम लोग, इस तरह से बैठने के लिए सजाए हुए हैं और यहां पर गुलदस्ते वगैरह सब कुछ रखे हैं। तो गाइस वीडियो देखकर आपको किस तरह से क्या लगा और क्या देखना चाहते हैं आप मुझे ज़रूर से बताइए। और कहीं और हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यूनिक सी चीज़ें रखी हुई हैं, वहाँ पर भी जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में हम लोग बाहर की तरफ निकल चुके हैं और अच्छे तरह से इस मंदिर को मंजिल को देखकर बहुत ही खुशी हुई। आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। ये रात के टाइम पर इस तरह से दिखती है बिल्डिंग बाहर से, आप देखे हुए होंगे। और जो कतर से बाहर हैं वो लोग इस तरह कतर को देखना है तो इसी बिल्डिंग को देखकर पहचानते हैं ये कतर है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही बस, चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगा। तब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और कहीं से कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए ज़रूर से, ताकि मुझे पता तो चले कहाँ से देख रहे हैं आप। अल्लाह हाफिज़।